राम आपकी प्रतीक्षा केवल रघुकुल का यह आंगन ही नहीं अयोध्या का हर आंगन कर रहा था। प्रजा की प्रतीक्षा को परीक्षा में न बदलो पुत्र, आगे बढ़ो। माता कैकेयी की उपस्थिति के बिना कैसे आगे बढ़ूं आचार्य? जिस माता ने बालपन से अपने हृदय में बिठाया, उन माता कैकेयी की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज सिंहासन कैसे संभालो? भैया, सूर्य का धर्म होता है सबके लिए उदय होना, और केवल एक के लिए वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। लज्जा का भार ममता पर हावी है, और इसीलिए रानी कैकेयी ने स्वयं को एक कक्ष तक सीमित कर लिया है। जब मन में ही ग्लानि हो तो आशीर्वाद के लिए हाथ कैसे उठ सकते हैं? और केवल उनके लिए आप अयोध्या की प्रजा को आशीर्वाद देने उठे हाथों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आइए ना भैया, गृह प्रवेश कीजिए ना। घर क्या होता है भरत? दीवारें, छत या वो आश्रय जो सुविधाओं से तो भरा है किंतु उसमें प्रेम का वास नहीं। घर का प्रारंभ होता है मां से, और यदि माता का मन ही अशांत हो तो घर शांत कैसे हो सकता है भरत? यदि आज मैं अपनी माता की लज्जा का अंत ना कर पाया तो उसी ग्लानि का अंग बनना स्वीकार है मुझे। माता कैकेयी के आशीष के बिना मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगा। राम, तुम्हारे कर्म और विचार दोनों शुद्ध हैं। तुमने अधर्म का अंत कर धर्म की ध्वजा लहराई है। संसार का तारक स्वयं ग्लानि के सागर में कैसे डूब सकता है? किस काम के मेरे वो सुकर्म जो मेरे माता के मन की पीड़ा न हर सके, जो माता की पीड़ा न समेट पाया, वो प्रजा का कष्ट कैसे हर पाएगा आचार्य? श्री राम उचित कह रहे हैं आचार्य। इस समय पुत्र का कर्तव्य राजा के दायित्व से बड़ा है। जब तक माता कैकेयी गृह प्रवेश की आरती नहीं करेंगे, सियाराम के पग इस घर के चौखट को नहीं छुएंगे। हमें महारानी कैकेयी को बुलाना ही होगा, अन्यथा सूर्य वंश धूर सा तेजस्वी राम खो बैठेगा। के पकड़ो आंखें लक्ष्य पर, प्रत्यंचा तनी हुई, अब इसे खींचो और छोड़ दो। और कब तक आप अयोध्या के आकाश पर शोक का मेघ बनकर छाई रहेंगे? कब तक आप अयोध्या के आनंद पर ग्रहण बनी रहेंगी? वर्षों के बाद दुख की धरा पर सुख की किरण पड़ने ही वाली थी। राम भैया अयोध्या में पग धरने ही वाले थे, किंतु वे द्वार पर खड़े केवल आपकी हट के कारण। महारानी, सही कहा तुमने, अपने कुकर्मों का भार अपनी मृत्यु शैया तक ढोऊंगी मैं। अपने एक पुत्र को सिंहासन पर बिठाने की चेष्टा में मैंने अपने दूसरे पुत्र को वन की अग्नि में झोंक दिया। अब शगुन का दूसरा रूप हूं मैं। राम के आने की शुभ घड़ी को अपनी उपस्थिति से मैं अशुभ कैसे कर दूं? उसे दृष्टि मिलाऊंगी मैं अपनी राम से कैसे? आपका दुख, आपका पश्चाताप ना ही आपके द्वारा किए गए कुकर्मों को मिटा सकता है, और ना ही आपके प्रति राम भैया के प्रेम को। आपने चाहे जो भी अनिष्ट किए,
किंतु भैया सदा आपको अपनी माता मानते हैं। आपसे जो भी अपराध हुआ वो क्षमा योग्य तो नहीं, किंतु आप अपनी ग्लानि की अग्नि में राम भैया के आनंद के वेला को नहीं झुलसा सकते। कह गई, क्या भूल थी मेरी, ना मैं अयोध्या की पुत्री ना बहू, कह कया से आई किंतु तुम्हारी भांति अयोध्या की ना बन पाई। यही भूल थी ना मेरी, अपने राष्ट्र का प्रभाव उसका मान बढ़ाना चाहा, उसकी शक्ति बढ़ानी चाही, यही थी मेरी भूल। ये सब केवल तुम्हारे लिए किया कैकई, केवल कैकई राज के लिए किया। परंतु इस राष्ट्र प्रेम का परिणाम क्या मिला? 14 वर्ष का कारावास। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है, चली जाओ यहां से। हाँ कह गई, चली जाऊंगी अयोध्या से, किंतु एक चिंता साथ लेकर जाऊंगी, मेरी पुत्री कैकई का क्या होगा। लौट आया है राम, अब देखना कैसे उसके क्रोध की बेड़ियां तुम्हारी स्वतंत्रता को जकड़ती हैं। कुछ भी करके राम को रोक लो कैकई, अन्यथा तुम और तुम्हारा भरत। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नरक बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। मैं रघुकुल कुमार भरत, रघुकुल कुमार भरत, तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकई। पत्थर पर भी वर्षों तक जल पड़े तो उसका आकार बदल जाता है, किंतु तुम इतने वर्षों में भी तुम्हारे भीतर का विष कम नहीं हुआ। तुम दंड की नहीं श्राप की अधिकारिणी हो। मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या पर नरक की छाया हो तुम। नहीं, नहीं। मेरे घर परिवार पे जो विष के मेघ बरसाए हैं तुमने, उसके लिए आज मैं कह गई तुम्हें श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम, से तुम्हारा नाम पाप, बुराई, बुराई, अधर्म, अधर्म और अंधकार से ही जोड़ा जाएगा। सुख की सूचक तुम कभी नहीं बन पाओगे और मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अग्नि में झुलसती रहेगी। श्राप है मेरा तुम्हें, तदेव झुलसती रहेगी। दासी हूं ना, जो स्वामी दे सर माथे पर। जाते जाते भी कह गई कि मैं तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगी, तुम्हारा लाभ ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समझो, राम के स्वागत के लिए मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी आरती नहीं उतारोगी तो वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। उसे राजा मत बनने दोगे कहीं, क्योंकि यदि वो सिंहासन पर बैठा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। केवल तुम ही हो जो राम के उज्जवल भविष्य को अंधकार में डाल सकती हो। केवल तुम ही उसे अयोध्या का नरेश बनने से रोक सकती हो कैकई। मत जाना, मत जाना।
और कितने पाप कराओगी मंथरा? खेद है मुझे कि मैंने कभी कभी तुम्हें अपनी माता माना था। कटुवाणी ने कुछ तो शुभ कार्य किया, तुम्हारे मन को मैं समझती हूँ कैकेयी। इस पाप की कोठरी में मेरे दुष्ट भाव ने तुम्हें डाला था, किंतु मैं जानती थी कि मेरे कटु वचनी तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। कैकेयी की दृष्टि में दोषी बनकर मैंने राम काज पूर्ण कर दिया प्रभु। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।